चाहूंगा कि कौन सी फिल्म का ये शूट है और किस तरह किरदार निभा रहे हैं अवधेश जी? अवधेश अच्छा अवधेश जी और अखिलेश ने उनको नहीं। अवधेश जी बात कीजिए, आज की फिल्म की क्या शूट चल रहा है और आपका एक अलग ही गेटअप दिख रहा है, तो ये क्या है इसका राज? बहुत दिनों बाद फिर विलेन का किरदार कर रहा हूं और विलेन में तो रूप रंग बदलना पड़ता है, इसमें भी विलेन ही हूं। नाम है लंगटा यादव, जो करता लंगटा ही से करता है, मतलब अच्छा खासा बाल रख करके भी अजीब सा कपड़ा पहनता है, कभी ऊपर का कपड़ा निकाल देता है, कभी चड्डी में रहता है, कुछ अजीब सा है लंगटा टाइप का, जिसको हमारे गांव की भाषा में लंगटा जिसको बोलते हैं कि कुछ भी कर डाले, तो वैसा ही कैरेक्टर है, लंगटा ही हमेशा करते रहता है। आज का सीक्वेंस है कि मेरे बेटे को एक नया इंस्पेक्टर आया है जिसने अरेस्ट कर लिया है किसी गलत काम में, तो चूँकि उस एक विलन का अमूमन होता है कि एक दबदबा होता है तो उसके ईगो को हर्ट करता है कि मेरे बेटे को किसने अरेस्ट किया है, सोशल मीडिया पे आ जाता है। तो थोड़ा एक रोहित सिंह मटरू एक अजूबा सा अभिनेता है जो कुछ भी करे तो हास्य उत्पन्न होता है। कॉमेडियन तो बहुत होते हैं लेकिन चंद ऐसे कॉमेडियन होते हैं जिनको देख करके भी अचानक हंसी सी निकल आती है,
और हरकतें जब करे तो लोट पुट हो जाए। जो इस फिल्म में मैं सेहरा बांध के आऊँगा से री लॉन्च कह सकते हैं उनका हुआ है, और बहुत अच्छा उन्होंने उसमें हाथ से रस पिरोया है। उसके बाद डमरू में है, मतलब दो कैरेक्टर कह लीजिए, मटरू जी और खेसारी जी का है, जो इंटरटेनमेंट का एक खजाना है मटरू सिंह, मटरू उनका उपनाम है। तो बड़ा ही पॉपुलर एक्टर, और चंद एक्टर से जिसको देख के प्यार हो जाए उसमें मटरू जी हैं, सुबोध हैं इस फिल्म में, एक बड़ा होनहार अभिनेता है। कल्लू इसका हीरो है, तनुश्री इसमें हीरोइन है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसके निर्देशक चंदन उपाध्याय बड़े जुझारू निर्देशक हैं। उन जब मैं शुरुआत किया था तब से वो असिस्टेंट में थे, तो पूत के पांव पालने में दिखते हैं तब से ही दिखने लगा था। और इनफैक्ट मैंने बोला था चंदन को कि जब तुम फिल्म बनाना तो पहली फिल्म में मुझे रखना ज़रूर, और उन्होंने रखा है मुझे, मैं धन्य हूँ उनको रखते हुए। अब देखिए, काफ़ी समय से आप इंडस्ट्री में हैं, आजकल फिल्मों का बजट भी काफ़ी हो गया। अभी एक हाल ही में फिल्म शूट हो रही है दिनेश लाल जी को लेकर, 10 करोड़ बजट है, क्या कहना चाहेंगे कि ये कितनी अच्छी बात है कि बजट बढ़ रहा है, मार्केट बढ़ रहा है भोजपुरी इंडस्ट्री? नहीं का? बजट बढ़ना गुनाह नहीं है, रिकवरी होना आवश्यक है। लाजी में बजट बढ़े, कलाकारों से बजट बढ़ता है, लेकिन किसी एक कलाकार या दो कलाकार से बजट बढ़ जाए तो वो चीज़ नहीं। फिल्म पर बजट होनी चाहिए, और गबरू फिल्म में फिल्म पर बजट है। ये जो हमारा बाहुबली क्या महाबली में फिल्म पे बजट है, बजट बढ़े लेकिन उसकी रिकवरी भी होनी चाहिए। अगर निर्माता जिंदा रहता है तो बाकी कलाकार जो इस इंडस्ट्री के बड़े होनहार कलाकार हैं उन लोगों का क्या होगा? उन लोगों को तो कुछ मिलता नहीं है, बाकी टेक्नीशियंस को मिलता नहीं है। हमारी इंडस्ट्री में एक से एक धुरंधर अभिनेता आज के डेट में पड़े हुए हैं, चाहे जो भी हों, खास करके चरित्र अभिनेता जितने हैं, धामा वर्मा हुए या समर चतुर्वेदी हुए या अनूप अरोड़ा जी हुए, ये सब जो हैं ऐसे सितारे हैं जो कि सिनेमा को सजाते हैं, और इन लोगों मिलता नहीं है कुछ, सारा पैसा एक जगह एक बंच में चला जाता है। तो लोग क्या करते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं, धामा के जगह किसी को रख लेंगे, अनूप जी के जगह किसी को रख लेंगे, देव सिंह की जगह किसी को रख लेंगे, तो चीज़ें छोटी पड़ जाती हैं। तो एक हीरो के साथ साथ कास्ट भी बड़ा होना चाहिए। इंडस्ट्री शोले जैसी फिल्म अगर बहुत सक्सेस रही है उसमें बहुत बड़ा योगदान उस फिल्म की कास्टिंग का था। अगर असरानी की जगह सोच लीजिए किसी और को ले लेता तो क्या होता, वो अंग्रेज़ों के ज़माने का जेलर इम्पैक्ट नहीं दे पाता। सुरमा भोपाली की जगह कोई और होता तो इम्पैक्ट नहीं दे पाता। तो आवश्यक है कि सब चीज़ पे एक साथ तवज्जो दे। बजट बढ़ाना वो काबिलियत नहीं है, बजट को कैसे कंट्रोल करना चाहिए वो काबिलियत है। साउथ वाले फिल्मों में मैं अभी एक करके आया हूँ, तामिल फिल्म, विक्रम हीरो हैं जो 20-22 करोड़ रुपये लेते हैं, लेकिन उनकी फिल्म की पहले दिन की जो कमाई होती है वो 45-50 करोड़ की होती है। तो वहाँ उनका लेना गुनाह नहीं है, और उसके साथ साथ वहाँ सम्मान सारे कलाकारों को बराबर दिया जाता है। सेट पे सारे कलाकार समान हैं, यहाँ पे ये नहीं है कि हीरो है ना वो विलन है ना वो कैरेक्टर रोल में है ना वो ये है वो है। तो हमारी इंडस्ट्री को केवल बजट बढ़ाने से विकास नहीं होगा, यहाँ बहुत चीज़ें बदलनी पड़ेंगी। और उसकी शुरुआत, चूँकि हम एक एक्टर हैं तो हम अपने एक्टर में जो सबसे उच्चतम शिखर होता है हमारे हीरो का, मैं हीरो की ही बात कहूँगा कि वहीं से बदलाव आ सकता है। अगर वो चाहेंगे कि इंडस्ट्री बदले तभी बदलेगी, वो नहीं चाहेंगे तो कभी नहीं बदल सकते। उदेश जी, चलते चलते एक आखिरी सवाल, जहाँ आशिकी आती है आवारापन तो आ ही जाता है, आशिकी संजीदा तो कभी नहीं हो सकता है, आशिकी में पागलपन चाहिए, आवारापन चाहिए। तो इसमें भी वही है, एक आवारा आशिक है, आवारा इन द सेंस कि जो किसी चीज़ की परवाह नहीं करे, तभी आशिकी को मुकम्मल मकाम दे पाता है। तो कल्लू बड़ा ही आशिक मिजाज इंसान है, जिनको मोहब्बत हो जाती है और ऐसा इश्क के अपने आप पे पगड़ी बांध लेते हैं कि उनको किसी भी हद तक जाना पड़े तो चले जाते हैं। और विलेन जिसका बड़ा खौफ होता है, बड़ा रुआब होता है, उसके मांद में घुस करके, उसके पास रह करके उसको दर पर दर उनको कमज़ोर करते चले जाते हैं। यही है आवारा आशिक, बड़ा खूबसूरत कहानी बनाया है चंदन उपाध्याय जी ने। ये आशिकी क्रिकेट में भी नज़र आ रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, उसके पीछे तो थोड़ा वक्त देना पड़ेगा आप लोगों को, मैं समझाऊं कि अभी मैं जिस इंडस्ट्री की बात कर रहा था,
हमारी इंडस्ट्री में एक ग्रुप है, एंटी हीरोज ग्रुप। ग्रुप ये ग्रुप नहीं है कि जो हम इनकलाब जिंदाबाद कर रहे हैं, लेकिन निश्चित तौर पे क्रांतिकारी ग्रुप है। हम जिस मंच पे भी जाते हैं एंटी हीरोज को लेकर के चलते हैं। एंटी हीरोज मीन्स वो एक्टर्स जो हीरो के बाद हैं इस इंडस्ट्री में, नॉट ओनली विलेंस, नॉट ओनली कॉमेडियंस। एंटी हीरोज मीन्स रियल हीरोज, जो हम लड़ते ज़्यादा हैं, मेहनत ज़्यादा करते हैं, अर्निंग बहुत कम लोगों को हो पाती है। तो वैसे लोग मिल करके जो सच में सिनेमा के लिए ही जिंदा है, सिनेमा के लिए ही इस दुनिया में आए हैं, तो उनको जो मेहनत करके नाम बनाए हैं, ये नहीं कि नाम बना करके काम पाए हैं, वो मेहनत कर करके काम कर करके नाम बनाए हैं। उन लोग का एक समूह है जिसमें हम तमाम, संजय पांडे जी, सुशील जी, मैं, हमारे तमाम विलेंस उसमें है, तमाम कैरेक्टर एक्टर्स उसमें हैं, कॉमेडियंस हैं, इन लोग का समूह है जो आज के डेट में इस मुकम्मल मुकाम पे है कि कुछ भी कर सकता है। चाहे वो अवार्ड का मंच हो, जहाँ हम एंटी हीरोज़ ने जो वो वहाँ पे एक एक्ट किया था जो इंडस्ट्री का पूरा परिदृश्य ही बदल डाले, सब लोगों ने बड़ा अप्रिसिएट किया था। चाहे वो क्रिकेट का मैदान हो, जहाँ भी रहेगा ये जीतेगा, चूँकि इनके अंदर पॉजिटिविटी बहुत है, इनके अंदर स्वार्थ नहीं है, ये सब एक दूसरे के लिए पूरक है। आज मैं यहाँ अकेला खड़ा होकर के पूरे एंटी हीरोज़ की बात कर रहा हूँ, सब लोग करते हैं, हम तमाम लोग, अगर यही एकता, मैं डेफिनेटली एकता कहूँगा कि हमारी इंडस्ट्री में आ जाए, तो लोग इंडस्ट्री के बारे में सोचेगा ज़्यादा। तो एंटी हीरोज इसलिए मेरी नज़र में बहुत महान है, और मैं चाहता हूँ कि ये भावना पूरी इंडस्ट्री में आ जाए, एंटी हीरोज वाली एक ज़रा सा गुण आ जाए ना, तो इंडस्ट्री बदल जाएगी, किसी को कोई शिकायत नहीं रहेगी, प्रोड्यूसर भी कमाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटर भी कमाएंगे। ये किसका है, सिटी हेड नेस्ट क्या है ये? नहीं, आपने एक चीज सही बोला, बजट बढ़ाने से कुछ नहीं होता है, सब चीज अच्छी सही होना चाहिए, बजट बढ़ा से होगा। आइए अंदर, बहुत अच्छा दृश्य होने वाला है। ये क्या है, सिटी हेड है? विषय क्या और कितना किरदार निभाने इस फिल्म में? अपना बम कहां गया? इस फिल्म का नाम है आवारा बलम, और लव स्टोरी है। अच्छा, लव स्टोरी है फिल्म, इसमें मैं सेकंड विलेन का कर रहा हूँ, कैरेक्टर निभा रहा हूँ। तो काफ़ी सारी तारीफें मिलती हैं जो पहले से इस इंडस्ट्री में विलेन के तौर पर, क्या कहना चाहेंगे, कितना बड़ा प्रोत्साहन है आपके लिए? मेरे लिए बहुत बड़ा प्रोत्साहन है, और मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही मिलता रहे प्रोत्साहन मुझे। तो क्या कहेंगे कि किससे इंस्पायर होकर, किससे प्रभावित होकर आप इस क्षेत्र में आए, और विलन का जो किरदार निभा रहे हैं, किससे आपको गाइडेंस मिलता है, मतलब एक्टिंग के दौरान कौन ऐसे कलाकार हैं जो गाइड करते हैं आपको? एक्चुअली मैं कभी हीरो बनने के लिए सोचा ही नहीं अपने लाइफ में, मैं एक विलन बनने के लिए इंडस्ट्री में आया था। अब इंस्पायर तो बहुत लोगों से हुआ, फ्रांस साहब से, शक्ति कपूर से, गुलशन ग्रोवर से, अभी भोजपुरी में अजय जी से इंस्पायर बहुत ज़्यादा, और इनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। सुशील भैया हो गए, अवधेश भैया हो गए, संजय पांडे जी हो गए, दोनों बहुत नज़दीक रहे। सर, दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म? बस दर्शकों से कहना चाहूँगा कि अपना प्यार बनाए रखें, और ऐसे ही हमें आशीर्वाद देते रहें। थैंक यू सर। रेडी है रोल। सर, इस फिल्म के निर्माता हैं, तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी है इस फिल्म का निर्माण करना, और क्या कहना चाहेंगे कि क्या प्रभावित किया आपको ये विषय पे फिल्म निर्माण करने के लिए? देखिए, फिल्म निर्माता तो फिर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, सभी चीज़ को देखना ही पड़ता है, और हम पहली मरतबा भोजपुरी फिल्म बना रहे हैं, इससे पहले हमने हिंदी फिल्म बनाई है ना, और दो फिल्म अभी लास्ट ईयर ही मेरा आखिर कब तक रिलीज किए थे, जो समाज के ऊपर पर ही था। फिर इस फिल्म में क्या ना, ये बहुत ही अलग ढंग का है, और भोजपुरी से थोड़ा सा अलग इसको लेकर के, और चंदन उपाध्याय ने बहुत अच्छा इसको लिखा था, पटकथा उन्हीं का है, तो उन्होंने लिखा था, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, और ये भोजपुरी के लीक से थोड़ा हटा हुआ पिक्चर है, तो उसको हमने बहुत अच्छे से इसको किया, और वो बहुत मेहनत भी कर रहे हैं, और सभी का सहयोग है, सभी आर्टिस्ट अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं सभी। तो भोजपुरी फिल्म निर्माण क्षेत्र में आने का क्या मतलब, आपको चीज़ प्रेरित किया कि क्या ऐसी चीज़ आपको प्रभावित की कि हम भोजपुरी फिल्म का निर्माण करना आपको? कुछ नहीं, ऐसा नहीं, देखिए ये तो अपनी मातृभूमि की एक अपने भी, हम भी बिहार से बिलोंग करते हैं, तो अपनी मातृभूमि की एक लैंग्वेज है, तो उसको लेकर के तो करें, हिंदी तो राष्ट्रभाषा है, ये तो हमारी वहाँ पर मातृभाषा हो जाती है, इसलिए हमने भोजपुरी बोला चलो अगर करना है तो भोजपुरी भी एक बनाते हैं, एक क्या दूसरी भी फिर बना रहे हैं, फेब्रवरी में मेरा दूसरा लॉन्च हो रहा है। तो वो फिल्म के बारे में निशिकांत जी, आखिर कब तक के बाद है, और ये फिल्म
काफ़ी गैप रहा इसमें, क्या कुछ कारण कुछ नहीं क्या होता है, देखिए हम बेसिकली फिल्म वाले तो हैं नहीं, मेरा प्रोफेशन अलग है, और मुझे अच्छी स्क्रिप्ट मिली उस पर थोड़ा ज़्यादा काम किए तो उसमें थोड़ा सा टाइम वक्त लग गया और देर आए लेकिन दुरुस्त ही आएंगे। तो आपको लगता है कि सोशल इशू पे इतना ज़्यादा लोग फोकस नहीं करते या पब्लिक, आखिर क्योंकि जब जैसे बात करें तो सोशल इशू था, लोगों ने इतना अप्रिशिएट नहीं किया? एक्चुअली क्या हुआ उस फिल्म में जब हम रिलीज किए 21 अक्टूबर को और 9 तारीख को नोटबंदी हो गई, आदमी क्या ना ये छोड़ करके लाइन में लग गए बैंक में, तो इसके कारण मुझे उसको रोकना पड़ गया। फिर से उसको नोटबंदी का आपके फिल्म पे असर पड़ा? हाँ बहुत बहुत उस समय, क्योंकि सभी को असर पड़ा, बड़ी बड़ी फिल्म वहाँ पर रुके, तो अभी कोशिश की है कि उसको लेकर के अभी फिर से उसको बनाए, अभी रिलीज कर रहे हैं फिर से उसको, फिर से थिएटर में आ रही है, क्योंकि ये सामाजिक इशू है, दहेज पर था और वो समाज के लिए हर एक जगह के लिए था, तो कोशिश की है कि भाई उसको फिर से अभी अप्रैल में वो भी फिर से आ रही है मेरे। इस फिल्म की बात की है तो कब तक रिलीज करने की प्लानिंग? ये होली होली में हम और मेरी एडिटिंग करीब करीब जो पहला शेड्यूल का हो गया, तो ये तो पैचवर्क के थोड़े से हैं, दो तीन गाने हैं और कुछ सीन्स हैं, ये पूरा करके होली में। आपने बताया कि एक और फिल्म की तैयारी चल रही है, किस तरह की फिल्म है, क्या नाम आपने दिया? नाम तो हमने दिया, जब तक टाइटल रजिस्टर्ड नहीं हो जाए तब तक नाम क्या मैं बोलूँ अभी, है ना, लेकिन वो भी अलग हटके है और धीरज सिंह के साथ हम बना रहे हैं। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। बड़ी फिल्म है दिनेश की, और आगे आ जाए। शुरू करें? चला, सर सबसे पहले किस तरह से जुड़े हैं इस फिल्म प्रोजेक्ट से? सबसे पहले नमस्कार आप सभी दर्शकों को, मेरा नाम देव सिंह है, जैसे कि आप सब जानते हैं मैं एक कलाकार हूँ और इस फिल्म में भी मैं नेगेटिव भूमिका में हूँ और अवधेश जी के बेटे का रोल कर रहा हूँ जो पागल है थोड़ा और किसी भी चीज़ को पाने की जिद करता है, तो इसमें जिद्दी पना देखेंगे मेरा। तो अवधेश जी ने आपके अभिनय की काफ़ी तारीफ की, क्या कहना चाहेंगे इतने बड़े कलाकार से? हाँ सर, ये मैं इतना ही बोलूँगा कि अवधेश जी जितने अच्छे कलाकार हैं उतने ही अच्छे एक भाई भी बोल सकता हूँ, एक बड़े भाई की तरह प्यार करते हैं। और दूसरी बात यह है कि जब आपके सीनियर या आपके बड़े आपके काम की तारीफ करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें खुशी से पागल होना चाहिए, कुछ करना चाहिए, पर एक जिम्मेदारियाँ और बढ़ जाती है और अवधेश जी ने वही किया है, मेरी जिम्मेदारियाँ कुछ ज़्यादा ही बढ़ा दी। क्या कुछ कारण रहा जेल में पकड़ के लाया जाता है आपको और यहाँ पे अवधेश जी फिराते हैं बचाते हैं, क्या क्या कुछ वही है अपना जिस हिसाब से मैंने बताया कि मैं इसमें थोड़ा एक जिद्दी हूँ, साइकीपन है, तो मैं किसी से भी लड़ाई कर लेता हूँ, तो मेरी लड़ाई एक पुलिस इंस्पेक्टर से हो जाती है इस फिल्म में इस सीक्वेंस के दौरान, तो वही मारपीट करके और वो मुझे ले आके जेल में बंद करते हैं। फिर मेरे बाबूजी जो कि बहुत दबंग है, जिनका नाम है लंका यादव, अपना दबंगई दिखाते हैं। तो इसके अलावा और कौन से प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं जाने चाहूँ? सर अभी अभी जस्ट मैं राजा जानी कंप्लीट करके आया हूँ और बड़ी भी बहुत अच्छी फिल्म बनी है, इसके हीरो खेसारी जी, लाल बाबू पंडित जी डायरेक्टर हैं और उसमें मैं मुख्य खलनायक की भूमिका में हूँ, थोड़ा एक कमाल का कॉमिक और दो कैरेक्टर हैं काफ़ी शेड्स दिखे, तो मुझे कॉमिक भी है और विलेन भी है, वो डराता भी है और हंसाता भी है। और उसके अलावा डमरू एक फिल्म अभी मैंने कल डबिंग कम्प्लीट की, बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत ही प्यारी फिल्म है, एक नई कहानी है, भक्त कहानी है, भगवान और भक्ति कहानी है, एक लोहा पहलवान फिल्म वो भी रिलीज पे है, वो देखिएगा, दुल्हन गंगा पार के है वो रिलीज है, सौगंध एक फिल्म है दिनेश जी के साथ वो भी बहुत कमाल की फिल्म बनी है वो भी रिलीज पे है, और इसके अलावा भी ये फिल्म कर रहा हूँ और नागदेव की शूटिंग अभी बसों ही शुरू हुई है मेरी अगली फिल्म। थैंक्स सर, ओके, थैंक यू, थैंक यू।